हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 372 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, बुड्ढे ओल्ड मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो सोर्स चलाते हुए कहते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पहला राउंड है स्नो कॉम्पिटिशन का, ये खत्म होता है। जब वो ऐसा करते तो सारी चीजें वहाँ पे एक्सप्लेन हो जाती है। जबकि यहाँ पे हमारे यू फैमिली के पैट्रियार्क सोच रहे होते हैं, सॉरी कह रहे होते हैं कि यहाँ पे सभी लोग जितने भी यंग टैलेंट है जिन्होंने पहले राउंड को पास किया है वो सारे बहुत ज्यादा यंग टैलेंट है, वो यहाँ पे दूसरे राउंड में जाने वाले हैं। और अब उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी अचीवमेंट मिलेगी और बहुत ज्यादा उन्हें अच्छा मतलब होने वाला है उनके लिए। तो जबकि जो 10,000 बीस सेट के जो वो बंदा होता है, वो जो पैट्रियार्च कह रहा हूँ मैं, तो अभी तो जो पैट्रियार्च होता है वो कहता है कि हमारा जो वो कहेंगे वो भी किसी से कम थोड़ी है, वो भी यहाँ पे दिखाएगा कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। पूरे स्नोई कॉम्पिटिशन में सिर्फ हमारा वो किंग ही है जो कि राइस करने वाला है, और तुम सभी लोग देखना हमारा वो किंग कितना ज्यादा आगे तक जाएगा। प्रो पक्का बहुत ज्यादा अच्छी रैंकिंग को हासिल करेगा स्नोई कॉम्पिटिशन के राउंड के दौरान। और हमारा वुकिंग उन टैलेंट्स में से आता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और जीनियस है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है। हमारा वुकिंग बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा, मेरे को तो इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है हमारा वुकिंग। जबकि 10,000 बीस सेट के जो एक और बंदा होता है वो कहता है हाँ आपने ठीक है, हमारा वुकिंग यहाँ तक पहुंचा है तो वो आगे तक भी बॉडी आसानी से चला जाएगा। साथ ही वो बंदा कहता है बट ये लिनफे, ये लिनफे हमारे 10,000 बीस सेट के मतलब सामने आ रहा है, इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत कह रहा है ये बंदा, आप समझ नहीं पा रहा। आपको लग रहा है 10,000 बीस सेट कोई नॉर्मल से सेट है, इसको क्या पता कि वुकिंग हमारा कितना ज्यादा पावरफुल है। वुकिंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इस बंदे को आराम से संभाल सकते हैं। वो यहाँ पे लिनफेंग की बात ही कर रहे होते हैं, अचानक से हमें यूई फैमिली के पैट्रियार्च दिखाए जाते हैं। पैट्रियार्च ही बोल रहा हूँ मैं तो अभी सभी लोगों को, क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यूई फैमिली के जो पैट्रियार्च होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं और कहते हैं लिनफेंग, वो लिनफेंग बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का था। और फिर वो कहते हैं कि मेरे को यकीन ही नहीं होता, मेरे को नहीं लगता कि वो अभी तक मर चुका है, मेरा ग्रैंडसन ऐसा तो नहीं मर सकता, वो जीनियस है। साथ ही हमारे यू फैमिली के पैट्रियार्च यू फैमिली के पैट्रियार्च की तरफ देखते हैं और उनके बगल में यू फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं, तो यू फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, और साथ ही यू फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं कि यू ल्यूशुई तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा अब कोई भी काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जितने भी डिसाइपल तुम्हारे जितने भी बेटे वगैरह थे यहाँ पे स्नोई कॉम्पिटिशन में नहीं जीत पाए और ना अब वो ज्यादा आगे तक जा पाएंगे, तो तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं, लू फैमिली को यहाँ से मतलब सॉरी यू फैमिली को यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारा वो और कोई काम नहीं, तुम जाओ जाके वापस लॉन्गशे एम्पायर में रहो और ज्यादा कुछ मत करो, चलो तुम्हें जल्दी से जाना होगा अपनी लॉन्गशे एम्पायर में, वहाँ के जाके अपने काम वगैरह संभालो। जबकि यू फैमिली के पैट्रियार्च तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, उनको तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही होती, बस उनको एक ही बात समझ में आ रही होती है, वो है लिनफेंग को कैसे मारे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे बदला लेना है, क्योंकि लिनफेंग ने उनके दोनों डिसाइपल या उनके वो भी कह सकते हो आप बेटे वगैरह उनको मार दिया, तो इसी बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। और वो यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि लिनफेंग कमी ने तेरे को तो मैं यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं, तेरे को तो लाजमी यहाँ पे मरना होगा। जबकि लिनफेंग को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे कल्टिवेट कर रहा होता है और बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, स्वॉर्ड इंटेंट निकल रहा होता है लिनफेंग के, वो मतलब थोड़ा थोड़ा निकल रहा होता है, मतलब देख सकते हो आप कि यू फैमिली के पैट्रियार्च कह रहे होते हैं ये बंदा अभी भी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है, आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, अपने आपको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बना रहा है, अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बनता रहा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फ्यूचर में, इस बंदे को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटाना होगा। यूं भी हमारे लिनफेंग की तरफ ही देख रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि तू इस राउंड में तो कैसे भी करके बच गया, बट मैं होप करूंगा कि तू मेरे से सेकंड राउंड में ना ही मिले तो बेहतर है, और इस घटिया औरत की हिम्मत कैसे हुई मेरे अपने मेरे काम में ऐसे टांग अड़ाने की, इस लड़की की बहुत ज्यादा ये गलती की है इसने, इस लड़की ने मेरे काम में दखल अंदाजी करके बहुत ज्यादा गलती की है, भले ये सुंदर है इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको मार नहीं सकता, मैं इसको एक ही चुटकी में मार सकता हूँ, वो तो इनकी किस्मत पर डिपेंड है क्या ये दोनों मेरे को सेकंड राउंड में मिलते हैं या नहीं, अगर मिलते हैं तो ये दोनों नहीं बचने वाले। नेक्स्ट सीन हमारे फेवरेट कैरेक्टर का होता है जो कि मेरे को तो काफी ज्यादा फनी लगा, जो कि बिल्कुल जैसा टीम रॉकेट है ना वैसे ही है, और वैसे ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा डेलियन रहता है। इस बंदे का नाम शायद से कुछ और है बट ट्रांसलेशन में मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसलेशन में इसका नाम डेलियन आ रहा, तो मैं डेलियन ही कह रहा हूँ। तो हाँ वही बंदा जिसने लिनफेंग पे पहले अटैक भी किया था पंछी पे उड़ते हुए, जबकि डेलियन यहाँ पे आता है लिनफेंग के पीछे जब लिनफेंग कल्टिवेट कर रहा होता है, जबकि डेलियन यहाँ पे ऐसे कहता है ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसको क्या लगता है ये यहाँ पे खुलेआम प्रैक्टिस कर सकता है और इसको कोई मारेगा नहीं, तो मेरा बहुत ज्यादा हिसाब किताब मेरे को इससे करना है। तो वो आगे बढ़ता है लिनफेंग पे हमला करने के लिए, क्योंकि लिनफेंग यहाँ पे कल्टिवेशन स्टेट पे उसे लगता है, और कोई भी यहाँ पे कल्टिवेशन स्टेट पे होता है तो वो एक उसका बहुत ज्यादा वीक पॉइंट होता है, क्योंकि अगर डेलियन यहाँ पे लिनफेंग हमला करता है तो लिनफेंग के अगर वो हमला टच होता है तो लिनफेंग वहीं पे मारा जाएगा, कल्टिवेट करते हुए किसी बंदे पे हमला होता है तो मर जाता है। पहले डेलियन आगे बढ़ता है, लिनफेंग हमला करता है पर लिनफेंग के चारों तरफ एक स्वॉर्ड इंटेंट होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि डेलियन आगे बढ़ रहा होता है और हमारा जो हानमैन होता है वो कहता है मतलब चलाते हुए कि ये क्या बहुत ज्यादा बड़ी सिचुएशन है,
अगर उसने हमला किया तो लेन पंग मारा जाएगा, मेरा ब्रदर लेन मारा जाएगा। मतलब कि यूं मतलब यहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है और कहता है वाह ये बंदा तो बहुत ज्यादा अजीब ही है, पागल ही है लगता है। तो यहाँ पे साफ साफ सीधे यहाँ पे लेन पंग ने हमला ही कर दिया, लगता है ये बंदा तो लेन पंग को मार के ही रहेगा। जबकि डेलिन भी आगे बढ़ता है, लेन पंग पर हमला करता है, पर लेन पंग के चारों तरफ वो शील्ड होती है स्वॉर्ड एंड टेन से बनी हुई पावरफुल सी, वो यहाँ पे उसके हमले को ब्लॉक कर लेती है। बंदा कह रहा होता है गो टू हेल, पर लेन पंग को तो जैसे कोई हिस्सा ही नहीं होता, लेन पंग यहाँ पे कल्टिवेट कर रहा होता है नॉर्मली। लेन पंग और भी ज्यादा अपना स्वॉर्ड एंड टेन को रिलीज करता है, जबकि डेलिन उन्हें सोच रहा होता है आखिर ये चल गया रहा है, आखिर ये इतने ज्यादा टेरिफाइंग स्वॉर्ड एंड टेन को रिलीज कैसे कर पा रहा है ये बंदा, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लेन पंग भी यहाँ पे सारी बातों को नोटिस कर रहा होता है और फिर मन में कहता है कि ये बंदा तो से गधा है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी जिसने गलती कर दी है। लेन पंग अपनी एनर्जी से बहुत सारी शॉट को बनाता है और बहुत सारी तेजी से आगे बढ़ाता है और उसको डेलिन के ऊपर हमला करवाता है और डेलिन की तरफ सारी जाके हमला करते हैं। लेन पंग की पावर ही इतनी ज्यादा होती है सिर्फ उसके शॉर्ट इंटेंट की वजह से, वो उसको डेलिन को काफी ज्यादा जख्मी कर रहा होता है और डेलिन भी उन्हें सोच रहा होता है कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है वो भी कुछ ही टाइम में। डेलिन होता है उसको जो स्पीयर होता है वहीं पर टूट के गिर जाता है, देखने वाले लोग बात कर रहे होते हैं लेन पंग के पास बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है ऊपर से, जब से वो सॉर्ड टेम्पल के अंदर गया हुआ है जब से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मान मैन भी यहाँ पे हंसते हुए कह रहा होता है कि यार मैंने तो यूं ही अपने ब्रदर फैंग को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया, मेरे को क्या पता था कि वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है, मैं तो यहाँ पे यूं ही घबरा रहा था, मेरे को तो शायद पता ही था कि हमारे ब्रदर फैंग ऐसे तो हो ही नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनको तो यहाँ पे कल्टिवेट करते हुए कोई नहीं छू सकता। क्यों है ना ब्रदर पोजन, जबकि पोजन उसके बगल में होता है, पोजन भी लेन पंग का दोस्त होता है जिसका नाम मैं पहले मतलब भूल चुका था, तो उसका नाम पोजन होता है ब्लू हेयर वाले का। वो हंसते हुए कहता है हाँ ब्रदर हान मैन मेरे को पता है कि जो हमारा ब्रदर फैंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। कि देखने वाले लोग हैरान होते हैं जबकि हमारे जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि इस स्नोई कंपटीशन का पहला राउंड यहाँ पे खत्म होता है, उस सेकंड कंपटीशन स्टार्ट होगा, स्नोई कंपटीशन का मतलब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा जिसमें तुम्हारी रैंकिंग को देखा जाएगा और तुम्हें रैंक दी जाएगी। लाइक वो भी ऐसी खतरनाक स्नोई कंपटीशन होने वाला है जिसमें तुम्हें यहाँ पे जान भी ले सकते हो मतलब लेनी होगी। अभी तो क्लियरली नहीं बताया गया है क्या होने वाला है मतलब सेकंड राउंड में स्नोई कंपटीशन की, तो वो हम आगे देखेंगे अगर बताया जाएगा तो। बट लाइक ये तो पता चल जाता है ओल्ड मास्टर से कि जो नेक्स्ट राउंड होने वाला है उसमें रैंकिंग देखा जाएगा कि कौन कौन सी रैंक पे आता है। फिर ओल्ड मास्टर कहते हैं तो देखो तुम सभी लोगों को अभी यहाँ पे अपने जाना चाहिए घर पे और रेस्ट करना चाहिए, मतलब जिस जगह पे जाने जाओ रेस्ट करो, मैं तुम सभी लोगों को एक दिन का टाइम देता हूँ, फिर उसके बाद तुम मेरे को जी आई लॉन्ग ग्रेटोइस पे मिलना, वो ऐसे करके कुछ कहते हैं एक जगह पे मिलना, एक जगह का नाम लेते हैं पता नहीं वो ट्रांसलेशन में सही है कि नहीं, पर वो जी आई लॉन्ग ग्रेटोइस कहते हैं। तो सभी लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो हमको यहाँ पे दोबारा से आना होगा, मतलब एक दिन का हमें रेस्ट करने का टाइम मिला करके कहते हैं सब लोग। दोबारा से इसी जगह पे बुलाया गया है और तो यहाँ पे हमारा जो वो होता है यानी कि हमारा वो कैन ब्लड रैंपर आगे बढ़ता है और वहाँ पे जाके एक चट्टान के ऊपर बैठ जाता है और कल्टीवेट करने लगता है। लेन पंग भी यहाँ पे कह रहा होता है मन में कि ये बंदा जो कि वो किंग टैन ब्लड एम्पर है बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जब से ये टेंपल के अंदर गया है तब से बहुत ज्यादा पावरफुल ये भी हो चुका है। जबकि यहाँ पे पीछे से वो आती है टैंगी और कहती है लेन पंग क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई जरूरत नहीं आई, क्या तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल तो हो चुके हो ना। लेन पंग कहता है हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ और वैसे तो तुम्हारा बताओ, जबकि जो हमारी टैंगी होती है वो बोलती है कि हाँ मैं भी बिल्कुल वैसी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे को भी बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, कोई काफी ज्यादा अच्छी अच्छी टेक्निक मिली है जिनको मैं कल्टिवेट करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ। जबकि हमारा जोन मोजी आता है और कहता है कि वैसे देख लगता है तुम दोनों को ही स्नोई कंपटीशन में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हासिल हुई है, मतलब स्नोई कंपटीशन के पहले राउंड से, जबकि दूसरा राउंड अभी स्टार्ट होगा वो बाद में होगा। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड को खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में आगे की कहानी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, पीस, गुड बाय बाय।